तो गाइस आज हम सीखेंगे कि जो गाड़ियां आती हैं तो उनके सामने ब्रेकर क्यों आ जाते हैं और वो गाड़ी उछल के ही नीचे गिर जाती है जहां पुल होता है। लेकिन वो ब्रेकर्स नहीं, वो एक कांटे होते हैं ब्रेकर्स, जिनका नाम होता है एस्लेंट। उन एस्लेंट को जब भी कोई गाड़ी आती है वो एस्लेंट पे जैसे ही चढ़ेगी उससे रॉन्ग हिस्सा पे चढ़ेगी गाड़ी तो उसका टायर पंचर हो जाएगा। तो अगर वो सही जगह लेके जब वो सही जगह पे चलेगी तो वो उसका टायर पंचर नहीं होएगा। और कुछ कुछ तो क्या करते हैं लोग जो स्कूटी से जाते हैं तो वो अपने क्या करते हैं कि थोड़ा पैर लगा के चले जाते हैं। कहीं वो दूर लगा होता है तो वो क्या करते हैं कि साइड से ही निकल जाते हैं स्कूटी लेकर या फिर कार। एक बार आप देख रहे हैं ये ब्रेकर है जिस पे एक कांटे लगे हैं और एक कार के साइड से निकल के चली गई। ये कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कोई बात कैसे नहीं हो सकती, क्योंकि नुकीली बात है। जब हमने ये जब जब आपने आपने एक दिन काफी बड़ी एक शुभ यात्रा में ली थी तब आप अपने वीडियो को कंप्लीट कर पाते। इसलिए लेवल 2 तो बताना भूलेगा यार, तो हम लेवल 2 तक ही कर रहे हैं। अब मैंने आपको कहा था कि लेवल 9 लेवल 18 लेवल पता नहीं है डर किसके लेवल तक का है। तो अब हम देखते हैं कैसे सीखेंगे। जब उन गाड़ियों को अच्छा नहीं लगता तो वो नीचे चली जाती हैं। वो नदी अगर कोई गाड़ी अगर उस ब्रेकर से चली गई और कोई साइड में दीवार है वो गाड़ी को पिचकाकर तोड़ देगी और हमें भी अलार्म बजाना पड़ेगा। अगर वो क्या कहे कि किसी की गाड़ी उड़ने वाली है तो उड़ के नहीं निकल सकती, ये कोई बात नहीं, क्योंकि बात क्यों नहीं है। अगर ये सब हुआ तो गाड़ी उड़ती है क्या? जो एरोप्लेन्स है वो उड़ गए तो क्या होगा कि वो ब्रेकर एरोप्लेन्स की हवा निकाल देंगे जब वो लैंड करेगा कहीं पे। और आपको पता है कि ट्रेन इतनी पावरफुल होती है उसके टायर भी लोहे के ही होते हैं। जैसे ही वो ट्रेन का आ जाएगी तो वो उस ट्रेन नहीं बल्कि उस ब्रेकर को ही तोड़ डालेगी। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक फॉर द वीडियो।